राधे राधे, जय माता की भक्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। गुरु एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतिबिंब है। गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं, हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कॉमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी से प्रार्थना है ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास की पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के विषय में। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व होता है। यह त्यौहार हर साल के आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक महीने में पूर्णिमा तिथि आती है, किंतु आषाढ़ मास की पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। वर्ष 2024 में गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, इस विषय में भी हम बात करेंगे। गुरु पूर्णिमा का महत्व गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उनके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए उनका सम्मान करते हैं। गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ साथ अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पावन पर्व है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि गुरु पूर्णिमा की तिथि के विषय में। वर्ष 2024 में आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई शाम 5:59 से प्रारंभ होगी। इसका समापन 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के रहते हुए पूर्णिमा की तिथि 21 जुलाई 2024 के दिन मान्य रहेगी। तो यदि आप व्रत करना चाहते हैं या किसी तरह का कोई अनुष्ठान या गुरु के प्रति कोई सम्मान पूजन करना चाहते हैं तो 21 तारीख को ही किया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेदव्यास, जिन्हें हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है, उनका जन्म हुआ था। वेदव्यास ने महाभारत, वेदों और पुराणों सहित कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि शांडिल्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने भी अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। इस दिन लोग अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनके चरण स्पर्श करते हैं, उन्हें मिठाई और फूल उपहार भेंट करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाने वाले नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। लोग इस दिन दान पुण्य भी जरूर करते हैं। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है। बात यह है कि जो किसी को गुरु नहीं मानता वो भी ना किसी से अपने जीवन में सीखता ही है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई हमारा आदर्श होता ही है। वे भी हमारे गुरु के समान ही होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोगों को अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच का संबंध अच्छा होता है, बल्कि दोनों को एक दूसरे के प्रति सम्मान मिलता है और अपने मन में सम्मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जाना गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व होता है और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए। अब आपको बता दें कि गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग हिंदू कैलेंडर में शुभ योगों में से एक है। यह योग तब बनता है जब कोई विशेष दिन किसी विशेष नक्षत्र के साथ मिलता है। इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं।
इसलिए इसे शुभ कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यह योग 21 जुलाई को सुबह 5:36 से लेकर 22 जुलाई को मध्य रात्रि 12 बजे तक रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं। प्रीति योग, जिसे प्रेम योग भी कहा जाता है, जो शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। प्रीति योग का प्रमुख ग्रह बुध होता है। ये योग उन 14 योगों में से एक है जिन्हें बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इस बार गुरु पूर्णिमा पर प्रीति योग भी बन रहा है। यह योग 21 जुलाई को रात 9:11 से शुरू होगा, 22 जुलाई को शाम 5:58 पर समाप्त होगा। तो बहुत ही सुंदर योग में वर्ष 2024 में गुरु पूर्णिमा आई है। अपने अपने गुरुओं का सम्मान करें, गुरु के प्रति आभार व्यक्त करें, कृतज्ञता व्यक्त करें, क्योंकि गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बढ़ के माना गया है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सभी ने गुरु की महत्ता को सदैव ही बताया है। तो अपने गुरुओं का आदर करना बहुत आवश्यक होता है। गुरु पूर्णिमा हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस अवसर पर स्नान दान के अतिरिक्त गुरु की पूजा करने से जातक को जीवन के सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही स्नान दान जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। गुरु के साथ साथ भगवान नारायण की पूजा करने से जीवन में व्याप्त अंधकार भी दूर होता है। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के त्यौहार का बहुत महत्व है और इस गुरु पूर्णिमा के त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ अवसर पर स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की कथा का भी विशेष महत्व होता है। तो सभी लोग बहुत सुंदर तरीके से गुरु पूर्णिमा पर अपने अपने गुरुओं का सम्मान करने के साथ साथ नारायण की पूजा और सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी कर सकते हैं। मन में बिना किसी भ्रम के अपने गुरुओं का सम्मान करें, पूजा पाठ करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरु के साथ साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना भी की जाती है, साथ ही व्रत भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित आषाढ़ पूर्णिमा के कुछ उपाय करने से जातक का जीवन खुशहाल बनता है, साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा पर हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे जीवन के दुखों से हमें मुक्ति प्राप्त हो। अगर आप अपने विवाह में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ पर 7 बार कलावा बांधें और दूध अर्पित करें। आप ध्यान रखें कि कच्चा दूध आपको अर्पित करना है। एक दीप प्रज्वलित करें देशी घी का और 7 परिक्रमा करें और जो भी मनोकामना हो वो आप बोलें वहाँ पर, तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ अवश्य ही देना चाहिए। इसके लिए एक लोटे में जल, दूध, फूल, अक्षत और गंगा जल मिलाएं। भगवान चंद्रमा के वैदिक मंत्रों का जप करते हुए आपको ये उपाय करना है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही सभी तरह के भय से छुटकारा भी मिलता है। इसके अलावा आषाढ़ पूर्णिमा पर दान करने का भी विधान है। ऐसे में आप इस शुभ तिथि पर चावल, चीनी, मिश्री, दूध, दही आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इससे कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे इंसान के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही ये उपाय करने से, इस तरह का दान करने से आपको अपने पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। तो पहले से ही तैयारी करके रख लीजिए और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है तो भी उपाय कीजिएगा। और हम तो ये कहेंगे कि यदि समस्या नहीं है तो भी कोई ना कोई छोटा उपाय दान पुण्य से संबंधित आप अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि दान करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, आप मंदिर के पुजारी पुरोहित को दान कर सकते हैं, और यदि आप व्रत करते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें। और बहुत दिनों से आपके मन में ये विचार है कि आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है या घरेलू कलह को शांत करने के लिए किसी तरह का कोई उपाय करना है,
तो आप आषाढ़ पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन कराएं। आपको सभी तरीके के कलेश से मुक्ति मिलेगी, घर में सुख शांति आएगी। और कथा आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय कर सकते हैं। यदि आप व्रत रखते हैं तो शाम के समय करें, नहीं तो आप सुबह ही पंडित जी को बुलाकर करवा लें या फिर स्वयं कर लें, ठीक है। देखिए, यदि व्रत रखते हैं तब तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए जब हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं तो भोजन करने के बाद तो कराएंगे नहीं, है ना। तो जब तक कथा नहीं हो जाती तब तक आप व्रत रहकर ही कथा कराएं, उसके बाद भोजन इत्यादि करें। सत्यनारायण भगवान का जो व्रत होता है पूर्णिमा का, वह अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाला होता है। और भगवान शिव को आज के दिन दूध भी अर्पित किया जाता है। भगवान का दूध से, दही से, पंचामृत से अभिषेक करने से मन से जुड़ी सभी बीमारियों समस्याओं से निजात मिलती है। और जो हमारी कुंडली में चंद्र दोष होता है वह भी समाप्त होता है। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा दोनों एक ही हैं। अपने गुरुओं के प्रति सम्मान प्रकट करें। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, तो माँ से बड़ा तो कोई गुरु होता ही नहीं है। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं, हम आँखें खोलते हैं, तो सबसे पहले हमें जो दिखाई देता है वो हमारी माँ होती है। जो पहली शिक्षा हमें मिलती है, प्राथमिक शिक्षा, वो अपनी माँ से मिलती है। तो अपनी माँ के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करें। यदि माँ है आपके पास तो आप समझ लीजिए संसार के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि सबके पास माँ नहीं होती। और माँ है तो उनको बिल्कुल भी किसी भी तरह से उनका दिल ना दुखाएं, कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसा व्यवहार ना करें जो उनके मन को आहत करे। तो माँ का सम्मान करें, उन्हें किसी न किसी तरह का छोटा सा एक उपहार दें। और सबसे बड़ा उपहार तो होता है कि अपनी माँ का सम्मान करें, है ना। तो जैसा भी आप कर सकते हैं अपनी माँ के, मैं आपको बताऊँ, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा। अपनी माता के चरण धोइए और उन चरणों की पूजा कीजिए और अपनी माँ की बात मानिए। उनकी गलत बात है तो नहीं मानी जाती किसी की भी, लेकिन माँ बहुत कम ऐसा होता है जो अपने बच्चों से कोई गलत बात मनवाएं। तो माँ की बात मानिए, माँ की सेवा कीजिए और माँ को उनके मन का जो भी उनको पसंद हो वो ज़रूर खिलाइए। उनके पैरों को दबाइए, उनके पैरों में तेल लगाइए, सेवा कीजिए। सबसे बड़ी गुरु माँ होती है। तो अपनी माँ को बहुत 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 प्यार और सम्मान दीजिए, जिससे माँ का हृदय इतना खुश हो जाए कि अपने आप ही माँ के हृदय से आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए निकलने लगे, है ना। तो उसके बाद जो भी आपके टीचर हैं, आपके शिक्षक हैं, या आपने कोई गुरु बनाए हुए हैं, उन सभी के प्रति सम्मान और आभार प्रकट कीजिए। तो बहुत ही सुंदर दिन होता है गुरु पूर्णिमा का। अपने गुरु की पूजा करें, उनका आदर करें, सम्मान करें। प्रथम गुरु माँ है इसलिए माँ का करें। और भगवान सत्यनारायण की कथा, सूर्य भगवान को जल देना, पीपल की पूजा, अनेक कार्य ऐसे होते हैं स्नान दान से लेकर कथा हवन तक के, जो आपको आपके जीवन में बहुत अधिक सुख संपन्नता दिलाते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना प्यार, अपना सपोर्ट सदा ही बनाए रखिए और सभी लोग खूब खुश रहिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब आप सभी से विदा लेते हैं। जय माता की राधे राधे।